सो अगर गाइज आपने ये वीडियो ओपन किया है और आप इसका फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसका सेकंड पार्ट भी ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप सेकंड पार्ट नहीं देखोगे तो आपका फर्स्ट पार्ट देखने का उतना मतलब नहीं होगा। क्योंकि ड्राइंग शुरू कर रहे हैं काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन उसको फिनिश किस तरीके से करना है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और इस तरीके के फ्री हैंड ड्राइंग में तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेकेंड पार्ट है वो और इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो सेकेंड पार्ट को ज़रूर देखना। सो चलिए गाइज ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइज मैं यहाँ पे मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करके आई ड्रॉ कर रहा हूँ। आई पे भी जितने डार्क एरिया है उसको मैकेनिकल पेंसिल से ही ड्रॉ कर रहा हूँ। थोड़ा ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे तो थोड़ा ज़्यादा डार्क वैल्यू आपको मैकेनिकल पेंसिल से, टू बी मैकेनिकल से इजीली मिल जाता है। तो थोड़ा डार्क मैं कर रहा हूँ आई को, अच्छे से यहाँ पे दिखाना है कि आई किस तरीके का है, डार्क एरिया। तो सिंपल तरीका है गाइस, पहले जो भी डिटेल आपने बनाया है आउटलाइन में उसको अच्छी तरीके से डार्क करते जाओ। और आप फर्स्ट लेयरिंग में गाइस 2B पेंसिल का यूज़ कर सकते हो बिल्कुल अच्छी तरीके से। ज़रूरी नहीं कि आप HB यूज़ करो, आप 2B को भी यूज़ कर सकते हो बिल्कुल लाइट प्रेशर अप्लाई करके। आपको बस देखना है कहाँ पे डार्क होगा कहाँ पे लाइट होगा, और बिल्कुल आराम आराम से करना है, ज़रा भी जल्दी नहीं करना है। फ्री हैंड में तो आपको हर समय ऑब्जर्व करना रहता है कि जो हमारा शेप है, जो हमारा डायरेक्शन है वो परफेक्ट आ रहा है कि नहीं। अगर आप ग्रिड से बनाते हो तो डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन फ्री हैंड में हर समय आपको ऑब्जर्व करना रहता है कि हमारा जो हम ड्राइंग बना रहे हैं वो सही जा रहा है कि नहीं। तो बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेट करके बनाना, और जितना ज़्यादा फोकस करोगे ड्राइंग में उतना ज़्यादा अच्छा बनेगा। बिल्कुल आराम से बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो, और जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ बस देखते जाओ किस तरीके से मैं बनाता हूँ। एक लेयर लगाने के बाद आइट साइड को भी मैं अच्छे से शेड कर रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं डार्क पेंसिल यूज़ करके जो एक्सट्रीम डार्क है उसे मैं डार्क करते जाऊँगा। आईब्रो भी काफ़ी सिंपल था गाइज, और मैं यहाँ पे ब्लेंडिंग के लिए ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ। आप टिश्यू पेपर ब्रश, कॉटन बर्ड या फिर कोई भी जो ब्लेंडिंग टूल होता है उसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो जिस तरीके से मैंने फर्स्ट आई बनाया गाइज, सेकेंड आई भी सेम उसी तरीके से बनाएंगे। और यहाँ पे ध्यान से देखना जो हाईलाइटिंग है आई में, जहाँ पे लाइट पड़ रहा है उसको आप अच्छी तरीके से ज़रूर बनाना। यहाँ पे मैं जो बैटरी इरेजर है उससे मैं अच्छे से वो हाईलाइट कर लूँगा। तो आपके पास जो टूल है या फिर आप इरेजर का ही यूज़ कर सकते हो, टॉम्बो मोनोजेरो इरेजर, या फिर आप वहाँ पे पहले से वाइट एरिया भी छोड़ सकते हैं।
फर्स्ट आई जिस तरीके से हमने बनाया, सेकंड राइट वाला आई भी सेम उसी तरीके से बनेगा, बस शेप अलग है और डिटेल्स तो काफ़ी सिमिलर है। तो बस बिल्कुल ध्यान से देखना है और आई के आइड साइड के एरिया को भी शेड करना है। तो मैं यहाँ पे 2B पेंसिल से ही शेड कर रहा हूँ और धीरे धीरे हम इसका डार्क वैल्यू बढ़ाएंगे। गए जरूरी नहीं कि एक बारी में बढ़ा दिए उस फेस का जो टोन है उसको, ज़रूरी नहीं, लेकिन सबसे पहले बेस लेयर देना जरूरी है। तो मैं यहाँ पे 2B से ही बेस लेयर दे रहा हूँ और हल्का फुल्का उसी से थोड़ा डार्क कर रहा हूँ। बाद में हम 4B पेंसिल यूज़ करके डार्क एरियाज को भी इंक्रीज करेंगे। आई ड्रॉ करने के बाद गाइज अब मैं नोज़ को शेड करूँगा और बाकी फेस के जितना भी एरिया है उसे भी शेड कर दे जाऊँगा। लेकिन उसके पहले जो हमने जो अनवांटेड लाइंस जो दिख रही है, जो हमने आउटलाइन को बनाने के लिए बनाया था, उन सारे लाइंस को मैं निडेवर लेजर से बिल्कुल अच्छे तरीके से मिटा दूंगा और उसके बाद शेड करूंगा। और शेडिंग करते समय आपको ध्यान देना है कि हमारा जो हमने आई नोज़ लिप्स बनाया वो प्रॉपर है कि नहीं। अगर आपको लगेगा कि और है मतलब अप डाउन करना चाहिए तो बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कई बार इस तरीके से पता चल जाता है क्योंकि आप शेडिंग करोगे तो कई बार लार्ज एरिया पे शेडिंग होता है लेकिन रेफरेंस फोटो में स्मॉल एरिया दिखता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको शेडिंग करना पड़ेगा। शेडिंग में काफ़ी खास ध्यान देना पड़ता है अगर आप आउटलाइन को शेड करो तो बिल्कुल ध्यान से देखना किस तरीके से मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ।
जब भी शेड करो गाइस तो जॉ लाइन को बिल्कुल ध्यान से करना। कई बार ऐसा होता है कि हम नॉर्मली टेबल पे रख के ड्रॉ करते तो हमारा जो एंगल रहता है फेस एंगल जो कि पेपर से वो थोड़ा डिफरेंट रहता है, तो हमें जॉ लाइन कई बार समझ में नहीं आता, इस कारण वो थोड़ा ऐसा लगता है फेस की मोटा बन गया या फिर पतला बन गया है। तो उसके लिए बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है, बार बार ट्राई करते रहो कि सही जा रहा है कि नहीं, उस हिसाब से शेड करते जाना है और शेडिंग में बिल्कुल ध्यान देना है। और अगर आप सीधे स्टैंड पे रख के बनाते हो तो इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिल जाता है, लेकिन अगर आप टेबल में रख के बना रहे हो इस तरीके से तो बिल्कुल ध्यान से केयरफुली ही ड्रॉ करना, और आपको लगे कि जॉ लाइन सही नहीं बना है तो उसको आप इरेज करके वापस सही कर सकते हो। शेडिंग के बाद मैं गाइस ब्लेंडिंग ब्रश से ही कर रहा हूँ, क्योंकि ब्रश से मुझे काफ़ी अच्छा इफेक्ट मिल रहा है, जो पेपर का टेक्सचर है वो भी मिल रहा है और जो स्मूथनेस है वो भी मिल रहा है। और कभी भी गाइस एक बार में आप उस वैल्यू को अचीव कर लो ऐसा नहीं सोचना, आप ट्राई करना कि पहले लाइट करूँ फिर डार्क करूँ फिर थोड़ा डार्क करूँ, देखो रेफरेंस फ़ोटो को किस तरीके का है, सही मैच हो रहा है कि नहीं, उसके बाद डार्क करूँ, तो इस तरीके से आपका जो फेस वैल्यू है जो फेस टोन है वो बहुत प्रॉपर आएगा। बस आपको लेयर बाय लेयर ही शेड करते जाना है। तो हमारा ड्राइंग अभी कुछ इस तरीके का लग रहा है गाइज, मैंने हल्के से जो फेस का जो आइट साइड डार्क पोर्शन है उसको डार्क कर लिया। वो डार्क करने का सिर्फ एक ही रीज़न है गाइज कि मुझे फेस का टोन पता चल जाए, कि अगर मैं हेयर को एक्सट्रीम डार्क करता हूँ जितना डार्क मुझे रेफरेंस फोटो में दिख रहा है तो उसके अकॉर्डिंग फेस का वैल्यू क्या होगा, इसलिए मैंने साइड में डार्क कर लिया। और आज की इस वीडियो में इतना ही गाइज, जो सेकेंड वाला पार्ट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है तो वो मिस मत करना, क्योंकि ड्राइंग शुरू करना काफ़ी ईजी है। अगर आप ग्रिड से बनाते हो तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अगर फ्री हैंड बनाते हो तो उसको लास्ट में फिनिश करना काफ़ी ज़्यादा थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो वो पार्ट आप ज़रूर देखना। और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।